जय श्री महाकाल। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में कुछ लोग हर छोटे बड़े काम को करने से पहले पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाते हैं। माना किसी भी काम को किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन हर काम का एक शुभ समय होता है और उसे उस समय किया जाए तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी शुभ समय को मुहूर्त कहा जाता है और यही कारण है कि शुभ मुहूर्त पर काम करने से काम आसानी से बन जाता है। लेकिन जब समय शुभ नहीं हो तो इंसान चाहे जितने हाथ पैर मार ले, अड़चनें आती ही हैं और अक्सर काम बिगड़ जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि हर 24 घंटों में से हर 48वें मिनट में मुहूर्त बदलता है और इस हिसाब से एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। लेकिन हम आपको इन 30 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। तो मित्रों, यह ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सब तरह से फायदेमंद होता है। यह वह समय है जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं और वायु एकदम स्वच्छ और लाभदायक होती है। यह वह शुभ समय है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ की जाती है। तो दोस्तों, आइए इस शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बात करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। अब आप पूछेंगे, कब होता है ब्रह्म मुहूर्त? शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त रात के आखिरी पहर का तीसरा भाग यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है। ज्योतिष के अनुसार सवेरे 4:15 बजे से 5:15 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब आप जानना चाहेंगे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारी फायदों के बारे में सिर्फ शास्त्र ही नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके धार्मिक महत्व की। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुँचते थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनी और सीता मैया से मिले। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसानी से हो गया। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि प्रातः रत्नम प्रातः ऋष्वा दधाति तम चिकित्वा प्रतिगृह्य निद्धतो तेन प्रजां वर्ध यूमानाय रायस पोषेण सचेत सुविरह। इसका अर्थ है कि सूर्य उदय होने से पहले उठने से इंसान स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करेगा। इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी, ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्य मायुश्च विदंती ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्र अच्छी वापंकज यथा। जिसका अर्थ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को अच्छा रूप, धन, दौलत, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस समय उठने से शरीर कमल के फूल की तरह सुंदर हो जाता है और सामवेद में भी इसका उल्लेख है। यद्य सूर उदितो नागा मृत्योर यमा सुवाति सविता भगः। अर्थात व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ही शौच और स्नान करके भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य और लक्ष्मी दोनों में वृद्धि होती है। इस तरह हिंदू धर्म के ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। सिख धर्म में इसे अमृत वेला कहा जाता है। सद्गुरु जैसे कई मान पुरुषों ने इसके महत्व पर जोर दिया है। और अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक महत्व की। विज्ञान भी अभी तक की सभी बातों की पुष्टि करता है और सहमति जताता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है और इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और शुद्ध हवा में सांस लेने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और दिमाग को ऊर्जा मिलती है। इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और आदमी को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसके और भी फायदे हैं, जैसे इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है, ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, खून में पीएच की वैल्यू संतुलित रहती है, दर्द,
खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है। शरीर में मिनरल्स और विटामिन के उपयोग और भी बेहतर होते हैं। आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के इन सब फायदों से सहमति मिलती है। लेकिन मित्रों, इन बातों का ध्यान जरूर रखें। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है और इस समय को इन अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। इस समय धार्मिक श्लोकों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कुछ बातें हैं जो इस समय करना निषेध है और उन्हें करने से कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इस समय बुरा ना सोचें, किसी को भी बुरा भला ना कहें और इस समय संभोग ना करें। अगर आप पूजा करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें मन में या बहुत धीरे ही करें, क्योंकि इस समय वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। इस तरह दोस्तों, अगर जीवन में कुछ पाना है और जल्दी से पाना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आपका जीवन आपकी जिंदगी लगेगी। आप बहुत एनर्जेटिक और खुश महसूस करेंगे। आप दिन भर तरोताजा महसूस करेंगे, ना कि चिड़चिड़ा और थका हुआ। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो कमेंट में अपनी पसंदीदा एक्टिविटी जरूर बताएं, जिससे और भी लोग इनका लाभ उठा सकें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।